नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, क्या वचन, क्या आज हम क्या पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, कारक पढ़ा था, और आज हम किसकी चर्चा करते हैं, वचन की, कि वचन क्या होता है, कितने वचन होते हैं और कि तो आइए देखते हैं वचन किसे कहते हैं, क्या वचन किसे कहते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है, क्या वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कहते ना कि एक वचन, अरे एक ही बात बोलो, दो बात ना बोलो। तो कहने का मतलब कि एक बात है कि दो बात है, कि एक लोग हैं कि दो लोग हैं। जहाँ पे अकेले की बात आएगी, जहाँ पे अकेले की बात आएगी, तो कहते हम एक वचन दे दिए हैं, बार बार वचन अब नहीं बदलेंगे, एक वचन हमने दे दिए। कितने वचन, एक वचन। जब एक बात की जाएगी, चाहे एक बात किसी पदार्थ की जाएगी, चाहे एक बात किसी व्यक्ति की बताई जाएगी, चाहे कुछ भी, जहाँ पे एक होगा वो क्या होगा, एक वचन होगा। वचन हम पढ़ रहे हैं तो वचन देखेंगे कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और एक वचन कब होगा, बहुवचन कब होगा। तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो, क्या संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अब बात करते हैं कि वचन के प्रकार, क्या वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं, क्या वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में बात करेंगे वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पे जो एक वचन बहुवचन आपको दिखाई दे रहा है, अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे, क्या जब हम किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे या किसी एक पदार्थ के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा, क्या एक वचन। जब एक से अधिक, एक से अधिक, एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा, क्या बहुवचन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वचन की बात हम करते हुए ये देखें कि वचन किसे कहते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है, क्या संख्या वचन होता है। जब भाव, जब क्रिया के द्वारा, क्या जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया के द्वारा किसी अकेले के होने का पता चलेगा, क्या किसी के अकेले होने का पता चलेगा, तब एक वचन होगा। और जहाँ पे एक से अधिक की बात आ जाएगी, चाहे वो व्यक्ति की हो या पदार्थ की हो, तो क्या होगा, वो बहुवचन होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं, क्या एक वचन क्या होता है, एक वचन में विकारी शब्द में, क्या विकारी शब्द में जिस रूप में, क्या विकारी शब्द में जिस रूप में एक पदार्थ, क्या एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो, क्या एक पदार्थ, क्या हमने कहा आपसे बार बार अकेले की बात, यहाँ कह रहे हैं एक व्यक्ति या एक पदार्थ की बात की जाएगी उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। विकारी शब्द में जिस रूप में एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे नदी, यहाँ पे हमने एक शब्द लिया, नदी लिया। अब ये नदी जो है क्या है, एक वचन है। यहाँ हमारा जो भाव प्रकट हो रहा है वहाँ मगरमच्छ नदी में है, मगरमच्छ नदी में है, कहने मतलब मगरमच्छ कहाँ है, नदी में है। लेकिन अगर जैसे ही हम कह दे कि नदियों में मगरमच्छ रहता है, तो नदियों में, जैसे ही नदियों की बात कर देंगे या नदियां कर देंगे, वो क्या होगा, बहुवचन होगा। लेकिन अभी जैसे हमारे सामने कहते नदी में मगरमच्छ है, तो वहां अकेले, क्या मगरमच्छ तो
है, लेकिन क्या किसी एक नदी, बस नदी के बारे में बात कर रहा है तो वहां बस एक ही नदी की बारे में। फिर जैसे लड़का मिला आपको, क्या लड़का खड़ा है, क्या लड़का खड़ा है, तो लड़का खड़ा है तो अकेला लड़का खड़ा है, वहां लड़का अकेला खड़ा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो जब से घोड़े की, जब यहाँ पे घोड़ा शब्द आपको मिला, ये जो घोड़ा शब्द है ये अकेले का बोध करा रहे, कह रहे ना क्रिया पे आधारित होती है। क्रिया के अनुसार हम देखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और क्रिया के तौर पर हम पहचानेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे यहाँ घोड़ा आपको एक शब्द मिला, ये क्या है, एक वचन है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये अकेले घोड़े की बात किया जा रहा है, क्या अकेले घोड़े की। फिर बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा रो रहा है, जैसे ही बच्चा रो, बच्चा की बात आई, क्या बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, जब ये बच्चा शब्द जो मिला, अब क्या है, रो रहा है, क्रिया हो रही है रोने की, लेकिन एक क्या है, जो बच्चा है ये हमारा अकेले का बोध करा रहा है, क्या बच्चा का, एक ही बच्चा रो रहा है। लेकिन जैसे ही बात आती कि बच्चे रो रहे हैं, क्या बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, आपने देखा एक वचन में संज्ञा के साथ साथ उसके क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, क्या बच्चा रो रहा है। यहाँ बच्चा शब्द जो है वो एक वचन मिला और वहां पे रो रहा है, जैसे ही इसको बच्चा को हमने बच्चे में परिवर्तित कर दिया कि बच्चे रो रहे हैं, तो हाँ इस बच्चे से क्या भाव निकलता है कि एक बच्चा नहीं रो रहा है, बहुत बच्चे रो रहे हैं। बहुत बच्चे में क्या है कि एक से अधिक, अब जरूरी नहीं है कि बच्चे की बात आ गई तो बहुत ढेर सारे बच्चे हो गए, हो सकता है घर में एक से अधिक दो बच्चे हो, तो अगर दोनों बच्चे साथ में रो रहे हैं फिर कोई, अरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो कहने का मतलब वहाँ एक से अधिक बच्चे हैं और वो बच्चे क्या है, रो रहे हैं। लेकिन जब बात कहेंगे हम कि बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा रो रहा है, तो वहाँ अकेले का बोध होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध होगा तो कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। फिर उसके बाद बहुवचन की बात करते हैं कि बहुवचन विकारी शब्द के, क्या विकारी शब्द के जिस रूप से, क्या विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। हमने इसके पहले जस्ट आपको बताया कि जब एक अकेले की बात होगी तो एक वचन होगा, जैसे ही एक से अधिक की बात आ जाएगी वो क्या होगा, बहुवचन होगा। यहाँ आप देख भी रहे हैं, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में उदाहरण देखेंगे, अभी आपको मिला था, अब ये नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे, अभी तक क्या मिला था आपको, नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा, वो किसका बोध करा रहा था, वो एक वचन का बोध करा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपने देखा, जैसे नदी से नदियां, फिर लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े, बच्चा से बच्चे, अब यहाँ बच्चे की अधिकता हो जा रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, जैसे ही क्या है, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा होता तो हम घोड़े नहीं कहते ना, यहाँ अगर कोई एक अकेला होता, यहाँ घोड़े दौड़ रहे हैं मतलब एक से अधिक है, लड़के खड़े हैं, लड़के खड़े हैं, कहने का मतलब एक से अधिक लड़के वहां मौजूद खड़े हैं। लड़के के जैसे ही शब्द मिलेगा आपको, लड़के, आप कभी मतलब ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाइएगा, आप शब्द पे जाइएगा, शब्द पर फोकस करिएगा, लड़का जैसे ही शब्द मिलेगा वो एक वचन होगा, जैसे ही परिवर्तित कर देंगे लड़के, अब यहाँ पे
अगर कह वहां पे जैसे लड़की हम कह देते क्या लड़की, तो लड़की एक वचन होगी, लेकिन बात यही कह दे लड़कियां, लड़की खड़ी है तो ये एक वचन होगा, लड़कियां आ रही है, लड़कियां आ रही है। तो आपने देखा कि जब से हमने उसको विकार उत्पन्न किया लड़की में, लड़की से लड़कियां, लड़कियां आ रही हैं, कहने का मतलब ढेर सारी लड़कियां आ रही हैं। तो ये नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे, ये सब क्या है, बहुवचन है। यहाँ देखिए आप, एक वचन और बहुवचन में क्या आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक वचन में देखेंगे यहाँ नदी, जैसे ही नदी से नदियां हुआ तो ये किसकी तरफ गया, बहुवचन की तरफ गया। फिर आप देख रहे हैं लड़का से क्या बना, लड़के, अब लड़के हुआ तो क्या, बहुवचन। घोड़ा से घोड़े, अब घोड़े, ये बहुवचन। बच्चा बच्चे, आप यहाँ पे देखे कि हमने विकार उत्पन्न करने के बाद ये किस में बदल जा रहा है, बहुवचन में जा रहा है। फिर बात करते हैं वचन के अधीन, क्या वचन के अधीन संज्ञा के दो तरफ परिवर्तित होते हैं, वचन के अधीन संज्ञा के दो तरफ परिवर्तित होते हैं। इसको दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हो, पहला विभक्ति रहित और दूसरा विभक्ति सहित। एक पे आपको चिन्ह रहेगा और दूसरे, एक में चिन्ह नहीं रहेगा, दूसरे में चिन्ह रहेगा। कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, क्या कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप सदैव एक से रहते हैं, क्या जिनके रूप सदैव एक से रहते हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता और जमाता इत्यादि शब्द हैं। ये सारे शब्द जब आपको दिखाई देंगे तो ये हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्या मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, पिता, योद्धा, युवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। युवा, आत्मा, देवता, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये शब्द जो है वचन से पूछे जाते हैं, क्या ये पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन में फिर आएंगे हम। आपको कुछ शब्द इधर मिले हैं जैसे पाठक, अब ये पाठक शब्द जो आपको मिला ये क्या है, एक वचन है। फिर पाठक से पाठक गुण, क्या पाठक गुण, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पाठक गुण, पाठक गण, यहाँ पे पाठक गण, पाठक से क्या हुआ, पाठक गण, तो क्या है कि ये बहुवचन में गया। फिर आपको एक शब्द मिला स्त्री, स्त्री से क्या होगा, स्त्री जन, नारी, नारी वृंद, अधिकारी, अधिकारी वर्ग। आप यहाँ पे अधिकारी शब्द यहाँ पे देखे ये क्या है, एक वचन है, लेकिन जैसे ही अधिकारी वर्ग, यहाँ पे जो एक वर्ग, ये वर्ग है, आप जानते हैं कि वर्ग का, वर्ग शब्द हम कब यूज कर कब प्रयुक्त करते हैं, जब एक से ज्यादा व्यक्ति, पदार्थ या बात की जाती है उसे कहते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, समूह। और समूह कब बनता है, जब एक से अधिक पदार्थ या व्यक्ति की बात की जाती है तो वो वर्ग में आ जाता है, अकेले कभी वर्ग नहीं बनता है। जैसे आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि क ख ग घ ङ, ये सब क्या है, वर्गीय व्यंजन। जैसे क वर्ग से लेके आपको प वर्ग तक का जो 25 की संख्या है, स्पर्श व्यंजन के साथ साथ उसे एक नाम और दिया गया है, क्या वर्गीय व्यंजन के नाम से। तो वर्गीय व्यंजन, ये वर्गीय व्यंजन क्यों, कि हर एक लाइन में पांच पांच का क्रम दिया गया है, क्या पांच पांच का क्रम दिया गया है, और उस पांच पांच के क्रम को पांच रो में, पांच कॉलम में, 5 5 25, 25 की संख्या को स्पर्श व्यंजन के साथ उसे वर्गीय व्यंजन नाम दिया गया है। ये वर्ग जो होता है क्या, एक से
अधिक बात को अधिक पदार्थ पदार्थ या व्यक्ति का बोध कराता है, या व्यक्ति का बोध होता है। जब वर्ग की बात आ जाएगी कि वर्ग कैसे, यहाँ पे अधिकारी फिर अधिकारी वर्ग, कहने का मतलब यहाँ अधिकारियों का पूरा समूह है। जब समूह हुआ तो एक से ज्यादा लोग थे तब जाके समूह बना, फिर क्या होगा, ये अधिकारी वर्ग बहुवचन में चला गया। फिर आप, हम कहें ना आप खाओगे, आप पानी पियोगे, ये क्या अकेले की बात की जा रही है, किसी स्पेशल एक ही व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं पानी पियोगे, खाना आप खाना खाओगे, तो वहाँ हम अकेले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वहाँ क्या एक वचन है, हमारा जो वाक्य निकल के आ रहा है उस व्यक्ति के लिए, हम पर्टिकुलर बस उसी के लिए बात ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभी मतलब 6 7 8 लोग 10 यहीं बैठे हैं, अब कोई मान लीजिए विशेष रूप से आए और वहां से बैठे हुए व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति को स्पेशल कहे कि आप रसगुल्ला खाओगे, आप रसगुल्ला खाओगे, बाकी सब तो मुंह देख रहे हैं, अगर खाने का मन है भी तो नहीं बोल पाएंगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। हम क्यों बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे, जिससे पूछा जा रहा है वही खाएगा बताएगा अपना। लेकिन वहां जैसे ही हम कहेंगे आप रसगुल्ला खाओगे, जिससे हम पूछ रहे हैं वही हाँ या ना में जवाब देगा, क्योंकि हमारी वार्तालाप उसी एक व्यक्ति से हो रही है। लेकिन अगर हमारा वही वाक्य जो है इस शब्द रूप में बदलता, क्या आप लोग रसगुल्ला खाओगे, क्या आप लोग रसगुल्ला खाओगे, आप लोग छेना खाओगे, आप लोग काजू कतरी वाली मिठाई खाओगे, तो जो आप लोग लग गया वहां पे एक से अधिक व्यक्ति का बोध करा रहा है। क्या जितने लोग वहां पे बैठे हैं, क्या जितने लोग वहां पे बैठे हैं सबके अंदर एक भाव प्रकट हुआ कि हम सबसे पूछा जा रहा है भैया तुम लोग भी खाओगे, तो वहां पे सबके मन में रसगुल्ले के नाम पे मुंह में पानी आ जा रहा है और सबको लगता है कि चलो खा लेते हैं। वहां पे जैसे आप लोगों का शब्द मिला, आप लोग, वो क्या होगा, ये बहुवचन में आ जाएगा। आपके लिए एक नोट है, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग, क्या प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, क्या प्रत्येक की बात आए, क्या प्रत्येक और हर एक की जब बात आएगी, कहते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति, तो वहां पे अकेले का बोध हो रहा है तो क्या होगा एक वचन होगा। फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या कुछ ऐसे शब्द हैं, क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किसमें होते हैं, बहुवचन में होते हैं, क्या बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आशु, फिर उसके बाद होठ, ताम, अक्षत का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आप मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हो कि प्राण, लोग, दर्शन, आशु, होठ, ताम, अक्षत ये शब्द जब आपको दिखाई देंगे तो ये हमेशा किसमें रहेंगे, ये बहुवचन में होंगे। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है नोट करने के लिए, द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का प्रयोग होने पर, क्या द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का प्रयोग होने पर द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, क्या द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का प्रयोग होने पर द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे लोहे, क्या लोहे, गुलाबी, तिल। अब लोहे का, अब यहाँ अगर लोहा होता, क्या यहाँ पे लोहा होता तो क्या ये एक वचन होता, क्या यहाँ पे एक वचन, लेकिन बात यहाँ पे क्या किया गया है, लोहे, क्या लोहे, गुलाब, आपको यहाँ पे गुलाब मिलता, क्या यहाँ पे गुलाब से क्या बना, गुलाबी, क्या गुलाबी। और एक ये खास शब्द आपको क्या है, तिल, क्या
तिल ये क्या है, बहुवचन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम वचन की बात कर रहे थे, वचन आपको पढ़ाए और उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब वचन आज पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या अब पढ़ेंगे कल की क्लास में हम लिंग। क्या लिंग आपने कारक पढ़ा, वचन पढ़ा, और कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।